मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों पर बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जनपद मथुरा में जो उत्सव होता है उससे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। व्यापक प्रबंधन भी किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्रमुख कार्यक्रम होता है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर भी लाखों की संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं और सभी जगहों पर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है, जिससे लेकर एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान में पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित करके ड्यूटी भी लगाई गई है। हमारा श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का ध्यान रखें और सुरक्षा में अपना सहयोग दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है जनपद मथुरा में, उसको लेके तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध है, व्यापक इसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इसमें पूरे जनपद में अगर हम बात करें तो प्रमुख कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर 26, 27, 27 की मध्य रात्रि में होता है और 26 को ही मॉर्निंग से श्रद्धालुओं के आने का और दर्शन करने का तांता लगा रहता है। उसके अलावा श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं इस दौरान दर्शन पूजन के लिए। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो सभी प्रमुख देवस्थानों पर, चाहे वो बरसाना में श्री राधा रानी का मंदिर हो, गोवर्धन में गिरिराज जी का मंदिर हो, नंदगांव का मंदिर हो, गोकुल का मंदिर हो, सभी जगह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसको लेके एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। आज मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी भ्रमण करके श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो फाइनल तैयारियां हैं उसका जायजा लिया गया है। अगर हम श्री कृष्ण जन्म स्थान की व्यवस्था की बात करें तो पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित करके ड्यूटियां लगाई गई हैं। यातायात प्रबंधन एक मेजर टास्क रहता है, उसके लिए सफिशियंट पार्किंग की व्यवस्था हर तरफ से आने वाले वाहनों के लिए की जा रही है। उसी तरह वृंदावन में भी विभिन्न जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी डिप्लॉयमेंट होगी।